नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कनक धारावर्ड। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मैं आज आपको पंच किदारों में से एक मंदिर कल्पेश्वर मंदिर के बारे में बताऊंगा। कल्पेश्वर मंदिर पंच किदार तथा उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव के उलझे हुए बाल जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर मंदिर पंच किदार तीर्थ यात्रा में पांचवें स्थान पर आता है। वर्ष के किसी भी समय यहां का दौरा किया जा सकता है। इस छोटे से पत्थर के बने मंदिर में एक गुफा के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। कल्पेश्वर मंदिर काफ़ी ऊँचाई पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह स्थान पवित्र धाम माना जाता है। कल्पेश्वर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तराखंड के असीम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समाये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को मध्य में स्थित है। कल्पेश्वर सनातन हिंदू संस्कृति के स्वास्थ्य संदेश के प्रतीक रूप में स्थित है। एक कथा के अनुसार एक लोकप्रिय ऋषि आराध्य मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अप्सरा उरिस को इसी स्थान पर बनाया था। कल्पेश्वर मंदिर के पुरोहित दक्षिण भारत के नंबदिरी ब्राह्मण हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य हैं। कुंड तथा पवित्र जल। मुख्य मंदिर अनादिनाथ कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के समीप एक कलेवर कुंड है। इस कुंड का पानी बहुत पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु यहाँ का जल ग्रहण करते हैं। इस जल को पीकर मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। यहाँ साधु लोग भगवान शिव का अधैर्य देने के लिए इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं तथा पूर्व प्रण के अनुसार तपस्या भी करते हैं। तीर्थ यात्री पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। कल्पेश्वर का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है, जहां पहुंचकर तीर्थ यात्री भगवान शिव की जटाओं की पूजा करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।